कि मेन शोइंग ऑफ देयर पेनिस साइज वेयरिंग पैंट अंडरवेयर तो ये दैट इज़ कूल, दैट इज़ हॉट और अगर लड़कियों का थोड़ा सा क्लिविश दिख जाए तो अश्लीलता कह दीजिए तो जब अच्छा फिजिक रहेगा तो आप अच्छे नॉर्मल क्लीवेज दिखने वाले कपड़े भी पहनोगे तो खूबसूरत लगेगा वैसे भी नजरिए बात है सर कुछ लोगों को थोड़ा सा क्लीवेज दिख जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को धोड़ी में भी मजा आ जाता है भाई <laughs> लेकिन साड़ी तो द मोस्ट सेक्सीएस्ट ड्रेस मानी जाती है हर जगह से ही खुली होती है साड़ी अच्छा अगर ज्ञानी सिंह आज एक्ट्रेस नहीं होती तो कहाँ होता है कि भोजपुरी फिल्मों को ही क्यों चुना आपने आप बॉलीवुड में भी जा सकते थे क्योंकि शुरू से आपका उस तरफ भी लगा होता फैशन डिजाइनर थी आप टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कुछ रह गया नहीं है <laughs> स्टोरीज वाइज और वो बहुत ज़्यादा कुछ अनोखा इनोवेटिव आ नहीं रहा है हाँ, मैं अपने आप को आज से पाँच सालों में शायद साउथ इंडस्ट्री में देखती हूँ आपका नाम सायरा भी है मैंने तक मेरी जानकारी में है उसकी क्या कहानी है <laughs> कि आपकी सबसे ज्यादा हाइट है भोजपुरी अभिनेत्रियों में जो है सबसे ज़्यादा हाइट <laughs> और जिसकी वजह से आपकी परेशानी भी झेलनी पड़ी थी फिल्मों में काम है हाँ, थोड़ा सा देरी से भी झेलनी पड़ती है मैं करूंगी सेकेंड लीड लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझसे खूबसूरत है मुझसे ज्यादा खूब अच्छी टैलेंटेड फर्स्ट पे है तो मेरे अंदर इतना है तो सबसे ज्यादा अच्छे मैंने किसके साथ काम करना अच्छा लगता है भोजपुरी अगर एक्टर की बात की जाए था। ने बताया था कि हमें दिनेश लाल यादव जी ज्यादा हमें अच्छे लगते हैं वो तो लड़कियां आजकल जो तैयारी कर रही हैं और काफी सारे रील बना रही हैं लोग और सबका फ्यूचर प्लानिंग यही होता है कि हम हीट होंगे हमें व्यूज और लाइक्स मिलेंगे तो हमें फिल्मों में काम मिल सकता है तो ऐसी लड़कियों का क्या होता है कि जब शुरू में फिल्मों में काम के लिए लोग जाते हैं तो हरास होता है उनके साथ या कुछ ऐसी वो चीजें कितनी सच्चाई होती है दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में आज हमारे साथ भोजपुरी की सुपरस्टार यामिनी सिंह जी मौजूद हैं और आज इनसे हम लोग काफी सारी बातें करेंगे सबसे सब पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे भोजपुरी में आप लगातार अभी ट्रेंडिंग में बनी हुई हैं शुरुआत कैसे हुई थी आ, ऐसा बोलूं सर तो मतलब डेस्टिनी थी कॉलेज में थी एक मराठी एल्बम सॉन्ग किया उसको मम्मी ऐसी ग्रुप्स में भेज रही थी उनका एक ग्रुप था मतलब वो एलोवेरा कुछ खर्च करता था उस पर कोई एक सर थे जो यहाँ पे काम करते थे तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी करेगी भोजपुरी फिल्में मेरी मम्मी को ऐसा था कि वो चाहती थी हमेशा से मेरे ख्याल से शायद ही कोई माँ बाप होंगे हमारे मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि नहीं मेरी बेटी एक्ट्रेस बने तो उनकी ये सोच थी कि मैं हमेशा से वो हमेशा से चाहती थी कि मैं करूँ क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो अमर होते हैं हमेशा उनकी वो हमेशा देखे जाएंगे तो मेरी मम्मी चाहती थी तो उन्होंने फिर अब हाँ हाँ करेगी क्यों नहीं करेगी वैसे पर पर जहां तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है आप एक फैशन डिजाइनर भी हैं और आप शुरू से लखनऊ में रही हैं लखनऊ से पढ़ाई लिखाई सब हुई है नहीं लखनऊ में मैंने पहले तक पढ़ाई की है उसके बाद में पुणे में गई हूँ एक्चुअली पुणे में की ही बॉर्न हूँ मैं और रेस्ड लखनऊ है तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पुणे में उसके बाद फिर लग के फिर मैंने ये किया तो मैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्मों को ही क्यों चुना आपने आप बॉलीवुड में भी जा सकते थे क्योंकि शुरू से आपका उस तरफ भी लगा हुआ था फैशन डिजाइनर थी आप हाँ मैंने मैंने नहीं चुना सर कुछ भी ये ईश्वर ने मेरे लिए चुना और मुझे लगता है कि वो जो मेरे लिए चुनेंगे माँ बाप भगवान जो करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है तो मैंने कभी कुछ नहीं चुना बॉलीवुड uh, में तो अब वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कुछ रहत गया नहीं है <laughs> स्टोरीज वाइज और वो बहुत ज़्यादा कुछ अनोखा इनोवेटिव आ नहीं रहा है हाँ मैं अपने आप को आज से पाँच सालों में शायद साउथ इंडस्ट्री में देखती हूँ ये साउथ इंडस्ट्री आजकल काफ़ी लोग पसंद ची भी ची कर रहे हैं उधर की फिल्में भी अच्छी आ रही हैं और लगातार फिल्में अच्छी कमाई भी दे रही हैं आपका नाम शायरा भी है मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी में है उसकी क्या कहानी है अरे उसकी कहानी ऐसे नाम नहीं है शायरा बोलते थे जैसे शायर बोलते हैं लड़कों को तो मैं मेरे कॉलेज के टाइम पे बहुत शायरियाँ करती थी मतलब लिखने का शौक़ है मुझे और मैं लिखती भी हूँ अब भी लिखती हूँ पर अब क्या बोलते नहीं है पहले दोस्तों के बीच में ऐसी महफिल बन जाती थी से। और से पहले की जो है, आपकी सबसे ज्यादा हाइट है भोजपुरी अभिनेत्रियों में जो है सबसे ज्यादा हाइट और जिसकी वजह से आपकी परेशानी भी झेलनी पड़ी थी फिल्मों में काम थोड़ा सा झेलनी पड़ती है अभी भी झेलनी पड़ती है तो कैसे इसकी क्या स्टोरी रही हाइट की वजह से क्या क्या परेशानियां हुई आपको जब मैं में आई थी तो एक्चुअली कहा जाए तो सबसे पहली फिल्म जो मैंने शूट किया था वो थी शपथ पवन जी के साथ थी वो तो वो एक दिन का मैंने शूट किया था और वो पत्थर के सनम से पहले थी लेकिन साइन सबसे पहले पत्थर की सनम की थी मैंने कल्लू जी के साथ और कल्लू जी वो लकीली कल्लू जी जो है वो वो भी सेम हाइट के मतलब एक इंच मुझसे बड़े ही हैं वो हुँ. तो वो लकीली वो मुझे मिल गए थे वरना बर, क्या बोलूँ है हाइट की वजह से तो बड़ा मुझे दिक्कत हुआ बहुत लंबी हो और पहले स्टार्टिंग में मुझे सेकंड लीड के लिए ज़्यादा लोग बोलते थे तो मैं एकदम ठान के बैठी थी कि भाई सेकंड लीड मतलब मैं करूंगी सेकंड लीड लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझसे खूबसूरत है मुझसे ज़्यादा खूब अच्छी टैलेंटेड फर्स्ट पे है तो मेरे अंदर इतना है संस्कार मैं ऐसी हूँ डाउन टू टूर्थ कि मैं खुद ही सेकेंड लीड करूंगी लेकिन तब तक मैं नहीं करने वाली कभी सेकेंड लीड हीरो को मैनेज करना होगा हीरो मैनेज करे नहीं तो हम मैनेज कर लेंगे लेकिन हम सेकंड लीड नहीं करेंगे मैंने कभी नहीं किया सेकंड लीड अब तो आपका हाइट जो है प्लस पॉइंट बन चुका है आपका जो परेशानी शुरू में अभिताभी चंद सर की स्टोरी जैसे आपकी मैच करती है शुरू में उन्हें भी इन सब चीजों को झेलना पड़ा था हाइट की वजह से आपको सबसे ज्यादा अच्छे मैंने किसके साथ काम करना अच्छा लगता है भोजपुरी अगर एक्टर की बात की जाए सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा है बॉन्ड uh, सभी लोग मतलब मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि मैं बहुत ही बच्चों जैसे रहती हूँ हंसी मजाक करती हूँ सबके साथ ही मैं मतलब परपंच में नहीं रही कभी भी <laughs> <laughs> गोसिप में नहीं रहती हूँ तफरी करना सेट का माहौल अच्छा बना के रखना क्योंकि मेरे दिमाग में मैं यही सोच के मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने बताया था कि हमें दिनेश लाल यादव जी ज्यादा हमें अच्छे लगते हैं वो तो वो तो उनके लिए मेरे पास मेरे पास क्या मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में सर किसी के पास भी उनके लिए कोई शब्द ही नहीं होंगे वो इतने 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 अच्छे इंसान हैं एक वो हैं और फिर कल्लू जी वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और फिर चिंटू जी वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं खेसारी जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं सभी मतलब मैं भी कैसे किसी को बुराई कैसे बोल सकती हूँ सबका अपना अपना हाँ मतलब मेरा ना जिन मैंने जिनके साथ भी काम किया है वो चाहे दिनेश सर हो चिंटू जी हो मैंने सबसे पहले से मैं बताना चाहूंगा अगर तो कल्लू जी फिर चिंटू जी फिर दिनेश सर फिर कल्लू जी के साथ काम किया फिर खेसारी जी और फिर रितेश जी हो गए गौरव झा हो गए विक्रांत सर मैंने मतलब इंडस्ट्री के सभी के साथ काम किया। बस मैंने अब तक दो इंडस्ट्री कुछ समय तक अश्लीलता को लेकर बदनाम रही है और कहीं कहीं अच्छी फिल्में भी आ रही है इसको भी नकारा नहीं कर किया जा सकता है मैंने देखा है कई सारे इंटरव्यू में या कई सारी जगह मैंने देखा कि आप इन सब चीजों को

तो अब मैंने हाल फिलहाल में पिछले साल में गाना किया था हसीना और फिर ऐसे करके मैंने गाने किए तो लोगों ने बहुत से नेगेटिव लोगों ने बोला कि ये भी अश्लील है hmm. वही क्लिविश दिखे है ना मतलब मैंने ये एक पॉइंट uh, मैंने ट्विटर uh, पे डाला था कि मैन शोइंग ऑफ their पेनसेस साइज वेयरिंग pants अंडरवेयर्स सो ये दैट दैट इज इज कूल हॉट और अगर लड़कियों का थोड़ा सा क्लिविश दिख जाए तो अश्लीलता कह दी जाती ये है ये तो तो बॉलीवुड में भी है तो हाँ, तो 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 वही है वही है, चीज अब भोजपुरी को हम ना खुद ही अलग कर देते हैं mm -hmm. कि नहीं अश्लीलता हो गई अश्लीलता हम अलग क्यों कर रहे फिल्म इंडस्ट्री है मतलब टैलेंट इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट है और मैंने ना एक चीज जानती हूँ मैं कि जो भी चीज खूबसूरती से दिखाई जाए वो खूबसूरत लगती है और और फिल्मों में जो चीज़ें आती हैं ना वो सेंसर बोर्ड से पास होके आते हैं हाँ और अब बहुत तो सारी चीज़ें जो एल्बम में ये सब ये हाँ ये चीज़ और, और अब जैसा हो गया है ना अब तो हमारे यहाँ जो आ रही हैं वो अच्छा फिजिक है उनका सब अच्छी मतलब भद्दी नहीं है वो वो अच्छा लगता है उनके ऊपर अब तो अच्छा जब जब अच्छा फिजीक रहेगा तो

रहूंगी अच्छा भोजपुरी में 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 हमने देखा है कि हमेशा लाइमलाइट रहने रहने के लिए या चर्चे में बने रहने के लिए लिए या बने कुछ ना कुछ अलग बयानबाजी लोग हाँ। <coughs> अभी। अभी अदर न्यूज देखा हाँ। उनको लग गया वो उठा लेंगे फॉर एग्जाम्पल कल हमारे यहाँ गोपालगंज में वहां गरबा नई वहां पे पवन जी का भी गाना बजा मैंने डांस कर दिया तो उसपे तो भी लोग बवाल कर सकते हैं तो बवाल करने वालों को तो एक्चुअली हम लोग नहीं करते वो करता मेरा करते ये था कि कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पे करते हैं वो तो वो, वो लोग लो, सर पता है ये बयानबाजी कॉन्ट्रोवर्सीज का सहारा वो उठाते हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता है खुद के टैलेंट पे भरोसा नहीं होता है जिनको लगता है मैं चलना बंद हो गया हूँ वो ये सब चीजें कर अच्छा जो लड़कियाँ आजकल जो तैयारी कर रही हैं और काफी सारे बना है तो ऐसी को क्या है आपका? आपने देखा होगा सोशल मीडिया का जमाना है ये और इसमें जितना आसान हुआ है उतना कम्पिटिशन भी बढ़ा है तो जो लोग इस तरह की तैयारी चाहते हैं इस चीज के लिए सर थैंक अप दिस क्वेश्चन क्योंकि बहुत जरूरी था रील में और एक्टिंग में अंतर है सर hmm. हमारी इंडस्ट्री में भी ना हाल फिलहाल hmm. से रील्स का मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि रील्स बनाने वाली ख़राब है या बनाने वाले खराब हैं वो लोग अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं हो सकता है उनमें बहुत टैलेंट है पर मैं यही बोलूंगी मतलब थोड़ी सी थोड़ी सी सीनियर हूँ थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी जानता हूँ जानती हूँ मैं तो मैं ये कहूँगी कि आ, रील्स पे गानों पे वीडियो बनाने से बेहतर है आप मोनोलॉग्स बनाओ hmm. मोनोलॉग वीडियोस बनाओ दो दो मिनट तीन तीन मिनट की hmm. एक अपने आप से ही डायलॉग्स लिखो एक सीन क्रिएट करो और hmm. उसको जब एक फील के साथ वीडियो बनाओ पोस्ट करो यूट्यूब पे डालो hmm. वो आपके दो काम आ जाते हैं ऑडिशन hmm. पर्पज में भी यूज़ हो सकता है कि लिंक मांगते हैं ऑडिशन वाले कास्टिंग डायरेक्टर्स तो आप उनको वो लिंक दे सकते हो वो रील देख करके एक्सप्रेशन पंद्रह सेकेंड की बात होती है सर पंद्रह सेकेंड के लिए किसी को अपने ऊपर आंखें टिकवाना वो भी तब जब मोबाइल पे सिर्फ वही एक वीडियो चल रही है आप अकेले ही दिख रहे हो तो आप ही पे नजर रहेगी लेकिन जब एक फ्रेम में दस कैरेक्टर खड़े हो और उस दस कैरेक्टर का वो सीन जो हो वो पूरी फिल्म तीन घंटे की हो और उस तीन घंटे में दस कैरेक्टर बीस कैरेक्टर के होने के बाद बावजूद सब लोग आपको रिमेंबर रखें उसके लिए तो फिर एक्टिंग जरूरी है उसके लिए रील्स नहीं चलेगा तो फिर मेरा यही एक छोटी सी कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि जब शुरू में फिल्मों में काम के लिए लोग जाते हैं तो हरास होता है उनके साथ या कुछ ऐसी वो चीज़ें कितनी सच्चाई होती है इसमें नहीं मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ वो डिपेंड करता है अगर वो कहते नहीं कमजोर कमजोरी भाप लेता है इंसान तो अगर कमजोरी जिस दिन आपने मुझे जहां तक लगता है सर कि जिस दिन हमने ये दिखा दिया कि हमें किसी चीज की जरूरत है तो जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपने आप ही उस अपने आप को हमारी कमजोरी बना लेते हैं तो आप कमजोरी दिखाने का ही नहीं अच्छा अभी आपकी आने वाली कौन कौन सी है।, आप है।, है आपकी कौन मेरी बहुत सारी फिल्में हैं सर मेरी गॉड फादर आने वाली है प्रेम की पुजारन आने वाली है और हमने एक लंदन में फिल्म की थी उसका टाइटल मुझे नहीं पता है वो भी आने वाली है और फिर अवैध आने वाली है अवैध फिल्म में मैं हीरोइन नहीं हूँ मैं केसारी जी के अपोजिट में कैरेक्टर रोल कर रही हूँ पर वो कैरेक्टर रोल बहुत तगड़ा था इसके लिए कर रही हूँ लाइक डॉन फिल्म में प्रियंका चोपड़ा वैसा चलिए तो... काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी अच्छा लगा आपके बारे में जान के और बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों हमारे साथ ज्ञावनी सिंह थी भोजपुरी में लगातार सुपरहिट फिल्में दे रही हैं और लगातार ट्रेंडिंग स्टार बनी हुई है लगातार चर्चे में है आपको आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार